पार्ट चार, तीन ठग। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह लोगों के घर पूजा पाठ कराकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन पंडित जी को कहीं से दान में एक बकरा मिला। वे बहुत खुश हुए और बकरे को अपने कंधों पर लादकर अपने गांव की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें तीन ठगों ने देखा। बकरे को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने आपस में तुरंत विचार किया कि जैसे भी हो इस पंडित से बकरा लेना है। यह सोचकर तीनों पंडित से आगे निकल गए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। जैसे ही पंडित जी पहले ठग के पास से बकरा कंधों पर लादे निकले तो वह ठग उनके सामने आया। पहला ठग, पंडित जी राम राम। पंडित जी राम राम बेटा। पहला ठग, पंडित जी इस कुत्ते को कंधों पर लादे कहाँ ले जा रहे हो? पंडित जी तुरंत पीछे देखते हुए, अरे मूर्ख, यह कुत्ता नहीं बकरा है। इतना कहकर वे वहां आगे बढ़ गए। पहला ठग, हमारा क्या, कुत्ते को ही लाद कर ले जाइए, अभी वह कुछ ही दूर चले होंगे कि दूसरा ठग मिला। दूसरा ठग, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी, अपने गांव जा रहा हूँ। दूसरा ठग, अरे आपने इस बिलार को अपने कंधों पर क्यों लाद रखा है? पंडित जी, बिलार? इतना कहकर उन्होंने बकरे को जमीन पर खड़ा किया और ध्यान से देखा, फिर उठाकर आगे निकल गए। पंडित जी सोचते जा रहे थे कि क्या यह बकरा नहीं है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि पहला आदमी इसे कुत्ता बता रहा था, दूसरा आदमी इसे बिलार बता रहा था। वे हैरान थे कि क्या चक्कर है, कहीं मुझे दान में बकरे के बदले कुछ और तो नहीं दे दिया, कहीं यह कोई मायावी जीव तो नहीं है। उन्होंने बकरे को फिर ध्यान से देखा, पर यह सोचकर कि कुछ भी हो यह बिलार नहीं हो सकता, और वे आगे चल दिए। अभी वह थोड़ी दूर ही चल पाए थे कि उन्हें तीसरा ठग भी मिल गया। तीसरा ठग, हंसते हुए, पंडित जी इस गधे को कहाँ ले जा रहे हैं? पंडित जी, गधा? तीसरे ठग की बात सुनकर अब तो पंडित जी को भरोसा हो गया कि यह बकरा नहीं है, यह अवश्य ही कोई मायावी जीव है जो बार बार अपना रूप बदल रहा है। सभी झूठे नहीं हो सकते, यजमान ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं कभी भी दान में कोई जीव नहीं लूंगा। वे बकरे को वही रास्ते पर छोड़कर तेजी से आगे बढ़ गए और तीनों ठग बकरे को लेकर भाग गए। तीनों बहुत खुश थे। उन्होंने बेचारे पंडित को बेवकूफ बनाया। शिक्षा, कभी भी अनजान लोगों या दुष्टों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।